वीडियो बना पड़ जाएगी। क्योंकि हमको अटल मालूम बड़ा नहीं, होता अटल है, ही सामने हमें बैठा धर्म है। का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा संस्कार हमें क्या सिखाता है, राजा हमको पता ही नहीं है। इसलिए सभी माओं से सबसे पहले प्रार्थना करूंगी कि आप ऐसे कर्म करो कि जैसे आज मैं बोल रही हूँ ना कि समाज सेवा की प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरी माँ ने मुझे मार्गदर्शन दिया, वैसे हर एक बेटी यहाँ पर खड़ी होकर बोले कि ये काम मैंने अपनी माँ से सीखा है। और इससे बड़ी खुशी माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बेटी से दो परिवार जुड़े होते हैं, एक तो उसका पियर जुड़ा होता है, एक उसका ससुराल जुड़ा होता है। जैसे अगर आप बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो ये होगा कि वो अगले घर जाकर जो लंबा छोड़ा एकल मतलब बहुत अच्छा परिवार होता है उसको तोड़ेगी तोड़ेगी घर जाकर, है ना। इसलिए अपने बेटों को अच्छे संस्कार दो, और बेटों से ज्यादा बेटियों को संस्कार दो, क्योंकि बेटे तो एक ही परिवार को संभालेंगे लेकिन बेटियां दो परिवारों को संभालेगी। मेरे जब 18वां जन्मदिन था तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए गिफ्ट में, तो मैंने मेरे पापा को बोला आंखें चाहिए आपकी। तो मेरे पापा ने बोला पागल है क्या, आंखें दूंगे, आंखें कुछ देता है क्या कोई। तो मैंने बोला आंखें देते नहीं पापा, आई डोनेट का आपको फॉर्म भरना है, नेत्रदान का संकल्प लेना है। तो मैं सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में गई थी, जब जेलन अस्पताल खुला भी नहीं था, जाके और बैठ गई। मैंने बोला कि सर मुझे आई डोनेट करनी है। वो मैंने पढ़ा था 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में एक दृष्टि करके पार्ट उसके अंदर दे रखा था कि इतने लोग अंधे हैं, अगर हम नेत्रदान करते हैं तो आपके नेत्रदान के द्वारा इतने बच्चे, करोड़ों बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो वो 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ पार्ट मुझे याद रहा था, और उसी से शिक्षा लेते हुए मैंने आज 70 लोगों का नेत्रदान का संकल्प दिलवा चुकी हूँ। ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि शिक्षा के साथ संस्कार आए। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो आपको संस्कार ना सिखाए, आपको एक ऐसा इंसान बना दे कि इंसानियत आप में खत्म हो जाए, संस्कार आप में खत्म हो जाए। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। आप पढ़ाई करो, उसको गेन करो, और उससे कुछ सीखते हुए कुछ ऐसा करो कि आप बोलो कि हाँ मैंने क्लास में सीखा था और मैंने क्लास में सीखते हुए मैंने ये काम किया है। दूसरी बात, मैंने किरण की पाठशाला की शुरुआत की है। सब बच्चे 2-2 घंटे टीवी देखते हैं, मैच खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसी चीज़ को मैंने दूसरे काम में यूज़ लिया, इस टाइम को मैंने दूसरे काम में यूज़ लिया, और आज मेरे गांव बंदिया के आसपास भुनाबाई, काकरिया, मिर्शाली, इंदिरा कॉलोनी, ऐसे करते करते सारे एरिया से 50 से 60 बच्चों को मैं 3 घंटे अपने घर पर पढ़ाती हूँ। 3 घंटे में अपने घर को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये नहीं है, पढ़ाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उनको किताबी ज्ञान दे दूँ। नहीं, किताबी ज्ञान तो आपको स्कूलों में बहुत मिल जाएगा। जो जीवन के जो मूल्य है, अपने देश से प्यार करना, अपने धर्म से जोड़ना, आध्यात्मिकता, ये बहुत जरूरी है, जो खत्म हो चुकी है। आज कोई भी स्कूल हमको ये नहीं सिखा रही है। आज मेरी पाठशाला के अंदर हर एक बच्चे ने राम नाम की पोथी लिखी है, और कम से कम 100 राम नाम की पोथी में जमा करवाते हैं। तो जो किताबें जो राम नाम की पोथी की होती है वो मेरे बच्चों ने जमा करवा दी है। तो वो जब वो किताबें अपने घर लेके गए थे तो उनकी मम्मी पापा ने बोला कि क्या होती है, क्या है राम नाम, क्या होता है। बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है राम, दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत सत्य है राम। अगर राम को हम उल्टा करते हैं तो उसका अर्थ होता है मरा, और हर इंसान का सबसे बड़ा सत्य है कि मरेगा। मेरा राम राम सबसे बड़ा सत्य नाम है जो हमें ये बताता है कि हर इंसान को मरना ही है। राम में विलीन होना, मतलब इस अर्थ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, परिभाषित नहीं कर सकती कि राम कितना बड़ा शब्द है, इसका अर्थ कितना बड़ा है। तो मैंने बच्चों को राम नाम से जोड़ा, तो आज वो तो जुड़े ही, उनके परिवार भी जुड़े राम नाम से। ये हुई किरण की पाठशाला की बात। अब बात करते हैं मिशन किरण की। हम लोगों के पास इतने कपड़े हैं, लड़की के पास इतने कपड़े होते हैं, फिर भी एक ही बार मम्मी कपड़े ही नहीं है। क्या करें, मम्मी कपड़ा ही बोलने पड़े, कहीं फेर जाऊँ बता, कहीं फेर जाऊँ, कपड़ा ही बोला। ये सबके डायलॉग है। और मेरी मम्मा भी बोलती है कि कहीं भी जाते तो मेरे तो कपड़ा ही नहीं, क्या लूंगी, पहन के जाऊँ, ये बोलती है।
ऐसे ऐसे एरिया में, तो मैंने क्या करा, एक मिशन किया स्टार्ट किया। उसमें मैंने लोगों से अनुरोध किया कि आपके पास पुराने कपड़े घर में पड़े रहते हैं, आप बिस्तर बनाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, क्यों ना उसमें से कुछ कपड़े आप उन लोगों को दो जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है। शुरुआत मैंने जनवरी में की थी, वापस जनवरी आने वाला, 20,000 कपड़े मैंने बांट दिए। तो कपड़े कहाँ से आए, तो कपड़े आप ही के घरों से निकले। सच में मेरी तो खुद की हैसियत थी कि मैं एक नया कपड़ा खरीदूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। वो कपड़े आप ही ने दिए हैं, आप ही के घर से निकले, और वो कपड़े ऐसे लोगों के पास दिए जिनके पास सच में कपड़े नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप किशनगढ़ एरिया में जाकर देखिए, बहुत पास में पड़ेगा। वह ऐसे लोग हैं, सच में कपड़े नहीं है, ऐसे नंगे घूमते रहते हैं। आपको मैं बात बताती हूँ, राजस्थान के अंदर राजस्थान में बांसवाड़ा इलाके की घटना है। एक औरत की मृत्यु हो गई थी, जब पता लगा तो वो औरत की डेथ ऐसे हुई थी कि महामारी के समय उसने ब्लाउज का कपड़ा काट के यूज लिया था, महामारी के समय ब्लाउज का कपड़ा काट के और यूज लिया था। जो हुक होता है ना,